वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नया दिन, नया चैप्टर। ये चैप्टर एडवांस अकाउंट्स का मैं सेकेंड चैप्टर भी बोल सकता हूं या शेयर कैपिटल का सेकेंड पार्ट भी बोल सकता हूं। एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में शेयर कैपिटल से रिलेटेड दो चैप्टर है, एक चैप्टर है बाईबैक, दूसरा चैप्टर है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंप्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या हो गया, इंप्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लान। पेंसिल को कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आपको ग्रुप टू में सबसे ज्यादा पढ़ के अगर कोई मजा आएगा कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन से तो सबसे अच्छा है, सबसे इंटरेस्टिंग, तो वो ये चैप्टर है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्योंकि इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे, वो अकाउंटिंग बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से दी गई है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको 5 to 10 mark का इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। मैं तो ये बोलता भी हूं, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है, उसको आप 10 मार्क के लिए अलग करके रखो, 10 मार्क के लिए। अगर बाईबैक आ गया 10 मार्क का, तो नॉर्मली उस टर्म में ईसॉप देगा नहीं, दे सकता है 5 मार्क, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर ईसॉप दे दिया तो बाईबैक नहीं देगा, दोनों दे दिया तो बहुत बढ़िया, मतलब दोनों में से एक तो आएगा ही। और 10 मार्क का ये शेयर कैपिटल का सिर्फ दो चैप्टर से आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। एंड दीज आर द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप टू एडवांस अकाउंट्स का चैप्टर वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत इजी है। हर बच्चे को इंडेवर करना चाहिए बाईबैक और ईसॉप में उनका कमांड रहे, ताकि ये 10 से 15 मार्क वो कहीं ना खोए, 10 से 15 मार्क वो हमेशा स्कोर करे, हमेशा। आज की क्लास बड़ी छोटी रहेगी, मैं हाफ एन आवर के लिए सिर्फ इस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सिर्फ इस टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, और उसका अकाउंटिंग का एक बेसिक ज्ञान आपके दिमाग में आज इंट्रोड्यूस करना है। आज सिर्फ मैं उतना सा ही बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ रखा है। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 62, आप लोग जानते होंगे 62, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, या राइट इश्यू जिसको आप बोलते हो। और उस फर्दर इश्यू में, राइट इश्यू में नॉर्मली बोला जाता है, कंपनी कभी भी नया शेयर इश्यू करेगी, सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनको राइट देना पड़ेगा उस शेयर को सब्सक्राइब करने का। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अगर अपने इंप्लॉइज को शेयर, अपने इंप्लॉइज को शेयर दे रही है अंडर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, उस केस में फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर के लिए आपको, राइट शेयर के लिए आपको न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान है, कंपनी लॉ के सेक्शन 62 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहां जो लॉ का एंगल पढ़ रखा है, उसको मैं यूज करके अकाउंटिंग आपको इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स की सिखाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं है, बट इंस्टीट्यूट आईसीआई ने गाइडेंस नोट जरूर निकाल रखा है, जिसका नाम है गाइडेंस नोट ऑन इंप्लॉईज शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इंप्लॉईज शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर, गाइडेंस नोट क्या होता है? अगर कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई रेलिवेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन है, जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ नहीं है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लैरिटी नहीं है, उन सब चीजों की अकाउंटिंग को प्रेस्क्राइब करने के लिए इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट निकालती है। ये गाइडेंस नोट वैसे तो मैंडेटरी नहीं है इंडस्ट्री पे, कंपनीज पे मैंडेटरी नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि वो जहां पर भी अपने अकाउंटिंग अश्योरेंस की फंक्शंस या सर्विसेज देंगे, उनको गाइडेंस नोट को प्रॉपरली फॉलो करना है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हर कंपनी का ऑडिट करते हैं, अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको गाइडेंस नोट ऑन ईसॉप फॉलो करना पड़ता है ईसॉप की अकाउंटिंग करने के लिए। तो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान की अकाउंटिंग कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई है, इसके लिए आईसीएआई ने एक गाइडेंस नोट निकाल रखा है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करना पड़ता है जब वो ईसॉप की अकाउंटिंग करते हैं या जब वो किसी कंपनी में ईसॉप की अकाउंटिंग करवाते हैं। अगर तुम इंड एएस की बात करो, इंड एएस में पूरा एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस 102, इंड एएस 102 जो है शेयर बेस्ड पेमेंट्स पर, शेयर बेस्ड पेमेंट्स पर।
वर्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है, इंप्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है। वो शेयर बेस्ड पेमेंट वाले एएस में अगर आपने शेयर्स में किसी चीज का पेमेंट किया है, वो सारे केसेस वहां पर कवर्ड है, चाहे वो इंप्लॉइज को किया है चाहे वो किसी को भी किया है। इंड एएस 102 बहुत बड़ा है, उसका स्कोप बहुत वाइड है। हम लोगों को इंटर लेवल पे ना इंड एएस 102 नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ईसॉप की जो अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग करनी है गाइडेंस नोट के थ्रू, गाइडेंस नोट ऑन इंप्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट। मैं पहले आपको इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन का मतलब समझाऊंगा, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सिखाऊंगा और फिर हम लोग गाइडेंस नोट स्टार्ट करके इस पूरे चीज की अकाउंटिंग करेंगे। स्टार्ट करूं तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 62 इज द रेलेवेंट सेक्शन जो हम लोग यहां पर यूज करेंगे। इसकी अकाउंटिंग के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम लोग गाइडेंस नोट फॉलो करेंगे जिस गाइडेंस नोट का नाम है इंप्लॉई शेयर बेस्ड पेमेंट। इंड एएस में इसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एएस 102, बट इंटर लेवल पे हम लोगों को इंड एएस 102 नहीं समझना, हम लोगों को समझना है गाइडेंस नोट ऑन इंप्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट। अब सर ये इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एक स्कीम है जो कंपनी निकालती है इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए। एक स्कीम है जो कंपनी निकालती है अपने इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए। आज के दिन अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रॉब्लम्स एनालाइज करोगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंप्लॉइज टर्नओवर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंप्लॉइज टर्नओवर या लेबर टर्नओवर। एक इंप्लॉई कंपनी में आता है, साल भर काम सीखता है, एक साल दो साल एक्स्ट्रा काम करता है, फिर अगर दूसरी कंपनी से उसको हायर पे पैकेज मिलता है वो छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच हो जाता है। जो ये कंपनी है जिसने 2-3 साल इंप्लॉई को एक साल पूरा सिखाया, फिर एक साल काम करवाया, जो भी काम वो अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि उसने जस्ट नया नया सीखा है, वो कंपनी ये प्रॉब्लम फेस करती है कि यार 2-3 साल में इस बंदे को सिखाया, अब इस बंदे से एक्चुअल काम करके हमारी कंपनी को पैसा मिलता, प्रॉफिट्स मिलता, ये इंप्लॉई छोड़कर ही चला गया और नई कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो मैंने सिखाया उसका मजा वो नई कंपनी ले रही है थोड़ा सा हाई सैलरी पे करके। कंपनीज को सबसे बड़ा इश्यू आता है इंप्लॉइज टर्नओवर या लेबर टर्नओवर। सीखे सिखाए इंप्लॉइज जिनको कंपनी ने अच्छे से सिखाया, नर्चर किया, एक पोजीशन पे लेके आए, वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं जस्ट फॉर अ हायर पे पैकेज इन दी अदर कंपनी। और ये चीज आप देखोगे ना इंजीनियरिंग वाले लोगों में, MBA वाले लोगों में, जो फाइनेंस सेक्टर में कंसल्टेंसी वगैरह में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपको ये चीज बहुत देखने मिलेगा, भर भर के देखने मिलेगा। इनको बांधने के लिए ना एक टूल कंपनीज ने निकाला जिसको बोला गया इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी एक स्कीम निकालती है के तहत इंप्लॉई को बोलती है, ए इंप्लॉई सुन इधर आ, तेरे को हम लोग सैलरी देते हैं, क्या इस सैलरी से तू खुश है? बोला नहीं, वो तो आप 1,000 करोड़ दे दो तो भी हम खुश नहीं है। बोला क्यों? अरे दूसरे कंपनी में जाएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, आपकी कंपनी से सैलरी कम मिल रही है, रोना तो हर जन का है। बोला ये जो सैलरी हमको मिल रहा है ये मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, हम सोच रहे स्विच कर ले कंपनी को, सोच ले दूसरी कंपनी में जाके काम करे। कंपनी बोल रही है यार तू छोड़ के जाएगा, तेरे को इतना काम सिखाया, तेरा काम करेगा कौन? वापस नए आदमी को लाओ, उनको ट्रेनिंग दो, खर्चा करो, फिर सिखाओ, फिर वो छोड़ के चला जाएगा। ये ट्रेनिंग वगैरह पे इतना बड़ा खर्चा हम लोग करते हैं बट तुम लोग टिकते नहीं हो। एक काम कर, मैं तेरे को एक स्कीम देता हूं। क्या स्कीम देते हैं बताइए? बोला अगर तू नेक्स्ट तीन साल तक इस कंपनी में टिका रहा, हम तुमको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका देंगे सस्ते दामों पर। आज इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू या मार्केट प्राइस चल रहा है मान लो ₹300 per share। अगर तुम 3 साल टिका रहा तो 3 साल के बाद हम तुमको 1,000 शेयर का मौका खरीदने का मौका देंगे और सिर्फ ₹50 per share पे तुम ये शेयर्स खरीद सकते हो। जो चीज आज ₹300 चल रहा है, तीन साल बाद तुम हमारे पास आना, और तुम ₹50 करके पर शेयर देना, हम तुमको 1,000 शेयर्स दे देंगे।
तो कंपनी बोल रही है तुम्हारा जो कैश सैलरी है वो तो तुमको मिलेगा ही, अगर तुम हमारे यहां टिकते हो, 3 साल तक काम करते हो तो तुमको हम लोग इंप्लॉई हो, तुम इंप्लॉई, तुमको हम लोग शेयर्स देंगे, शेयर मिलने से तुम कंपनी के इंप्लॉई के साथ साथ मालिक बन जाओगे, कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेंगी तुमको भी डिविडेंड मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेगा, तो ये तुमको। और दूसरा बात, ये शेयर्स हम मार्केट प्राइस पर नहीं देंगे, बहुत सस्ते दाम पर तुमको देंगे, अगर तुम रहना चाहो तो यहां रहो, फ्यूचर में जाके तुमको ये मौका मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा शेयर्स खरीदने का। ये जो कंपनी इंप्लॉइज को ऑप्शन दे रही है ना, जहां पे वो कंपनी बोल रही है कि हम फ्यूचर में तुमको कंपनीज के शेयर्स खरीदने देंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड दैट प्राइस विल बी वेरी 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 लो एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ऐसे ऐसे स्कीम को हम लोग बोलते हैं इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक आर नथिंग बट शेयर्स, इंप्लॉइज को हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक प्लान में एक ऑप्शन दे रहे हैं जिस ऑप्शन के तहत वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, और ये जो शेयर्स वो खरीदेगा वो सस्ते दाम पर उसको फ्यूचर में इशू किए जाएंगे, फ्यूचर में इशू किए जाएंगे। तो यहां पर हमने इंप्लॉइज के अंदर क्या डाल दिया, कंपनी से सैलरी मिल रहा है, बोनस भी मिलता है, साल में 1 महीने का बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट भी टाइम टू टाइम होगा, और अगर 3 साल टिक गए, 3 साल टिक गए तो ये एडिशनल सस्ता शेयर्स भी मिल जाएगा, सस्ता शेयर्स भी मिल जाएगा। इंप्लॉई बैठ के सोचेगा आज का दाम 300 चल रहा है, अगर हम अच्छा से काम करेंगे, कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी तो ये 300, 350 भी हो सकता है 3 साल बाद, और हमको 3 साल बाद शेयर सिर्फ 50 रुपए में मिलेगा, हम वो शेयर खरीद के अगर उस दिन मार्केट में बेच भी देंगे तो एक बड़ा प्रॉफिट हमको हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट हमको हो सकता है। बहुत इंप्लॉइज ने इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान से बड़े पैसे बनाए हैं, बड़े पैसे बनाए हैं, और ये टूल आज के दिन कंपनियां यूज करती है टू रिटेन इट्स वैल्यूएबल इंप्लॉइज, टू रिटेन इट्स वैल्यूएबल इंप्लॉइज। सर अगर वो इंप्लॉई 3 साल के अंदर छोड़ के चला गया तो ये जो ऑप्शन दिया था ये लैप्स हो जाएगा, वो नहीं सब्सक्राइब कर पाएगा शेयर। अगर वो 3 साल रह गया तो 3 साल के बाद वो हमारे पास आए, वो पैसे दे 50 रुपए करके, हम लोग उसको शेयर दे देंगे इररेस्पेक्टिव उस दिन क्या प्राइस चल रहा है, 500 रुपया चल रहा है तो भी 50 में मिलेगा, 100 रुपया चल रहा है तो भी 50 में मिलेगा। सर मान लो शेयर प्राइस 50 से ही नीचे हो गया तो इंप्लॉई क्यों खरीदेगा वो शेयर, इंप्लॉई बोलेगा हमको नहीं खरीदना है, मार्केट से सस्ते में खरीद लेंगे। तो सर फिर तो आप उसको बेवकूफ बना दिए ना, अरे भाई मैंने तो उसको सही ऑप्शन दिया था, वो चूज किया तभी तो वो रहा, अब ये रॉन्ग हो गया तो इसका हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मार्केट प्राइस ज्यादा गिरने लग जाता है ना, कंपनी के पास ऑप्शन होता है, कंपनी मॉडिफाई कर सकती है प्लान को, ताकि इंप्लॉई को रिटेन कर सके कंपनी मॉडिफाई कर देगी, बोला 50 रुपए की जगह 10 रुपए में ही तुम खरीद लेना, चलो तुमको और सस्ता देंगे। वो मॉडिफिकेशन वाला अलग बात है, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ इतनी करने जा रहा हूं, कंपनीज इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए एक प्लान बनाती है जिस प्लान के तहत उनको बोला जाता है अगर कुछ कंडीशंस तुम सेटिस्फाई कर लो तो हम तुमको फ्यूचर में सस्ते दाम पर अपने शेयर्स देंगे, तो तुम फ्यूचर में मालिक बन जाओगे इंप्लॉई होने के साथ साथ, फिर जैसे ही शेयर तुमको मिल गया जो शेयर के ऊपर डिविडेंड बोनस राइट्स मिलेगा वो सब तुमको भी मिलेगा, तुम भी वो सारा चीज कर सकते हो जो एक नॉर्मल शेयर होल्डर करता है। ऐसी स्कीम को बोला जाता है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऐसी स्कीम को बोला जाता है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब देखो कुछ कुछ वर्ड्स है, एक इंप्लॉई स्टॉक परचेस प्लान भी होता है, इंप्लॉई स्टॉक परचेस प्लान, परचेस प्लान इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान से थोड़ा अलग है। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान में तो हमने कंडीशंस लगाई थी, ये कंडीशन फुलफिल करो तब शेयर मिलेगा। इंप्लॉई स्टॉक परचेस प्लान में क्या होता है, अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी इंप्लॉइज को बोलेगी 2% 5% सस्ता में देंगे, तुम लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो तुम लोग भी कर लो, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, हम मार्केट में शेयर इशू के लिए निकल रहे हैं, तुम लोग खरीदना चाहो तो तुम लोग भी एज अ पार्ट ऑफ इशू खरीद सकते हो, तुम लोग भी इंसान हो, तुम लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर दो पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंप्लॉई स्टॉक परचेस प्लान अगर है तो वहां पे तो शेयर इंप्लॉइज को बोला जाता है 2% 5% 10% डिस्काउंट में आप शेयर्स खरीद लो जो कंपनी मार्केट में इश्यू कर रही है, अलग से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, तुम हमारे इंप्लॉई हो, हम तुमको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं।
एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर में क्या होता है, अगर इंप्लॉयज ने, डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और वो बहुत अच्छा काम करने के कारण कंपनी को कोई वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट हासिल हुआ है, तो उस केस में कंपनी चाहे तो फ्री पर या बहुत लोअर कंसिडरेशन में शेयर इश्यू कर सकती है अपने इंप्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, जिसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर में आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है इसीलिए आपको शेयर दिया जा रहा है। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में अगर अभी कुछ अच्छा करोगे, 3 साल तक रहोगे, तब शेयर दिया जाएगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर में पास्ट परफॉर्मेंस के लिए आज शेयर मिल रहा है फ्री में या सस्ते में। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए आपको फ्यूचर में शेयर दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, एक इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक इंप्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सर मान लो एम्प्लॉई बोल रहा है आप मेरे को 1,000 शेयर खरीदने का मौका दोगे, मैं बोला हाँ 3 साल बाद, कितना रुपया देना होगा, 50 रुपया करके, मेरे पास 50,000 नहीं है, आप हमको सैलरी देते हो हर महीने की 30,000, घर चलाने में ही सारा पैसा लग जाता है, हम 50,000 वहां से लाएंगे का, और 50,000 छोड़, बोल रही है कंपनी हम 1,00,000 शेयर देंगे हर इंप्लॉई को 50 रुपया करके। बोला 1,00,000 शेयर खरीद तो लेंगे बट हमारे पास पैसा कहां है 50,00,000 रुपया। तुम 1,00,000 शेयर दे रहे हो बहुत अच्छा बात है बट 1,00,000 शेयर खरीदने के लिए पहले तुमको 50 रुपया करके 50,00,000 भी तो देना पड़ेगा, हम लाएंगे कहां से। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है ना, एक ऑल्टरनेटिव स्कीम, एक ऑल्टरनेटिव स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है। जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था ना वो एक इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है जो इक्विटी में सेटल होगा, इक्विटी में, फ्यूचर में जाके शेयर्स मिलेगा आपको शेयर्स। कंपनी ऐसे भी बोल सकती है फ्यूचर में शेयर्स नहीं देंगे, जो आपका उस दिन प्राइस रहेगा और 50 रुपीज जो एक्सरसाइज प्राइस या जो हमने आपको शेयर्स का दाम बताया उसमें जो डिफरेंस रहेगा उसका कैश ले जाना। मान लो 3 साल बाद प्राइस हो गया 350 रुपया मार्केट में प्राइस चल रहा है, तुम 50 रुपया देकर खरीदोगे फिर मार्केट में 350 में बेचोगे, तुम ये मत करो, तुमको हम 350 और 50 का जो डिफरेंस है 300 into 1,000 shares 3,00,000 तुमको हम कैश में पे कर देंगे, 3,00,000 तुमको हम कैश में पे कर देंगे। ये भी चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान विच इज कैश में सेटल्ड, कैश में सेटल्ड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान विथ विच आर सेटल्ड इन कैश, और एक है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान विच आर सेटल्ड इन इक्विटी। सर दूसरा वाला प्लान बढ़िया लग रहा है, हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो मार्केट प्राइस का डिफरेंस है आप हमको दे दोगे, हमको ये प्लान चाहिए। अरे वो प्लान हम लोग मिलके बैठ के बना लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, जैसा चाहिए उसके हिसाब से बनाएंगे, बट आपको हम ये स्कीम दे रहे हैं कि अगर आप नेक्स्ट 3 साल हमारे यहां टिक जाते हो तो 3 साल के बाद आपको 1,000 शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा, या जो उस दिन प्राइस चलेगा उसके हिसाब से हम आपको कैश पेमेंट कर देंगे। ये जो पेमेंट किया जा रहा है आइदर इन शेयर्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी या शेयर्स ऑफ द कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर ऐसा भी हो सकता है हम लोग इंप्लॉई को ऑप्शन दे दे, तेरे को इच्छा हो शेयर खरीद लेना, तेरे को इच्छा हो कैश ले लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव, ऐसा भी कर सकती है कंपनी। तो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी जो इंप्लॉई को रिटेन करना चाहती है बाय मेकिंग हिम अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। उसको बोलते हैं तू रह जा, तेरे को फ्यूचर में हम सस्ते दाम में शेयर खरीदने का मौका देंगे, तू मालिक बनेगा कंपनी का, तू सिर्फ एक नॉर्मल इंप्लॉई नहीं रहेगा, और शेयर बेच के जो फायदा होगा वो तो तेरे को होगा ही, वो भी तेरे को हम लोग देंगे। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान को यूज करती है एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेटिंग इंप्लॉयज ऑफ द कंपनी, रेम्यूनरेटिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और ये इफेक्टिव रेम्यूनरेशन स्ट्रेटजी माना जाता है। सर कंपनी का फायदा क्या हुआ इससे? कंपनी का फायदा ये हुआ इमीडिएट कैश आउटफ्लो से बचे। अगर इंप्लॉई को रोकना है या तो आज सैलरी बढ़ाओ या ये इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान दे। अगर सैलरी बढ़ाएंगे तो इतने सारे इंप्लॉईज की इतनी सैलरी कहां से लाएंगे, इतना कैश कहां है, कंपनी की लिक्विडिटी हर्ट ना हो इसीलिए कंपनी हर बार सैलरी नहीं बढ़ा सकती है, कंपनी इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान यूज करेगी।
तो इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान देने से कंपनी अपने वैल्यूएबल इंप्लॉय को रिटेन कर लेती है, कंपनी का कैश आउटफ्लो अभी कुछ नहीं होता है, और फ्यूचर में अगर इक्विटी सेटल्ड है तो कंपनी शेयर इश्यू करके कुछ पैसा लाती है, जो पैसा वो बिजनेस में भी यूज कर सकती है। तो सर ये तो इंप्लॉई को सैलरी देने का एक तरीका हो गया, बस वो सैलरी क्या है ना, हर साल नहीं देंगे, 3 साल रहो उसके बाद एक साथ बड़ा सा अमाउंट देंगे। हाँ, ये इंप्लॉई को सैलरी देने का या रेम्यूनरेट करने का एक तरीका है, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। पहले बताओ सारे बच्चों को क्लियर है क्या, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान किसको बोलते हैं? सर अगर 3 साल बाद वो कंपनी को छोड़ दे तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो शेयर्स खरीद के छोड़ दे। 3 साल हो गया, अब तुम्हारे पास राइट है, तुम शेयर्स खरीद लो, कंपनी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कंपनी शेयर्स देगी? हाँ देगी। नॉर्मली इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन वगैरह शेयर्स में ना एक लॉक इन लगा दिया जाता है, साल भर बेच नहीं सकते, तुम शेयर्स ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल भर बेच नहीं सकते, वो लॉक इन वगैरह लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पहले से बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के जा रहा है इसीलिए उसके लिए लॉक इन है। आप एक बार 3 साल रह गए, आपको वो शेयर्स मिलेगा, भले ही आप उसके बाद छोड़ के जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या करेगी, 3 साल तक रहे ये दिया, 3 साल खत्म हुआ, एक नया स्कीम पकड़ा दिया, ये शेयर खरीद लो, एक नया स्कीम और दिए, तो तुम्हारा वो सोचते 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 ही सोचते ही आगे आगे टाइम गुजरता जाता है और तुम कंपनी में रहते जाते हो। 99% लोग जॉब से बिजनेस क्यों नहीं आ पाते, जॉब से बिजनेस इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनका टाइम यही सोचने में चला जाता है कि यार जॉब करे कि बिजनेस करे, जॉब करे कि बिजनेस करे, बिजनेस करेंगे तो ये सारा रिस्क है। तब तक वो सामने वाला डायरेक्टर कोई नया छलावा दे देता है, तुम निकलने की बात करते हो, वो बोलता है तुम्हारा तो नेक्स्ट महीने ही प्रमोशन ड्यू है, तुम्हारा तो नेक्स्ट महीने ही सैलरी बढ़ने वाला है, 6 महीने में ही तुम मैनेजर बनने वाले हो, ये करके एम्प्लॉई को रोका जाता है रियल लाइफ में। और जो चाहते हैं रुकना वो रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल बाद आपको एक नई स्कीम पकड़ा दी जाएगी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आप वापस रह जाओगे कि यार कहाँ लॉस है, नुकसान कहाँ है, फायदा ही फायदा है, रहेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, दूसरे कंपनी में जाके भी तो काम ही करना है, तो यही कर लेते हैं। कैश वाले में मैं ये बोला, अगर कंपनी चाहती है तो कंपनी ऐसा भी बोल सकती है, जैसे कंपनी ने ऑप्शन दे दिया तुम लोगों को 3 साल बाद 1,00,000 शेयर्स मिलेगा, 50 रुपया करके देना, तुमको हम 1,00,000 शेयर्स देंगे, तो 50 रुपया करके अगर 1,00,000 शेयर देगी तो इंप्लॉई पहले 50 लाख जुगाड़ेगा। अब उसके पास वो बोल रहा है 50 लाख है ही नहीं हमारे पास, तो कंपनी बोल रही है चलो तुम अगर शेयर्स नहीं खरीद पाते हो तो उस दिन का शेयर का जो भी दाम रहेगा और 50 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हम तुमको कैश में पेमेंट कर देंगे। उस दिन अगर शेयर का दाम चल रहा है 350, हमने बोला था 50 रुपये में शेयर देंगे, तो 350 माइनस 50, 300 रुपीज का हम कैश पेमेंट कर देंगे, 300 into 1,00,000 शेयर्स, 3 करोड़ रुपए का तुमको कैश मिल जाएगा, तुमको शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंशियल प्राइस हम ही तुमको दे देते हैं। तुम क्या करते, 50 रुपए में शेयर लेके 350 में बेच देते, तुमको हम 300 कैश पेमेंट ही कर देते हैं। इसको बोलते हैं कैश सेटल्ड इक्विटी इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, कैश सेटल्ड इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये भी कंपनी कर सकती है, ये कंपनी के हाथ में है, इंप्लॉइज के हाथ में है, जैसे वो डिसाइड करे वैसा कर सकते हैं। अगर 3 साल के अंदर कंपनी फायर कर दे तो भी उसके ऊपर वेस्ट नहीं होगा, कंपनी फायर कर रही है क्योंकि वो कुछ गलत काम किया, नहीं तो कंपनी फायर क्यों करेगी, गलत काम किया उसको निकाल दिए तो उसके ऊपर फिर ये उसको इंप्लॉई शेयर्स खरीदने का मौका नहीं मिलेगा उसको। 3 साल के भीतर अगर वो कोई कारण से भी जाता है उसको शेयर्स नहीं मिलेगा, बात खत्म। मल्लिका कंपनी चाहे तो कुछ इंप्लॉइज को भी दे सकती है, चाहे तो सारे इंप्लॉइज को भी दे सकती है, मतलब कैटेगरी ऑफ इंप्लॉइज होता है ना, कैटेगरी वाइज भी दे सकती है कि ये वाला सिर्फ डायरेक्टर्स को मिलेगा, ये वाला सिर्फ मैनेजर लेवल इंप्लॉइज को ही मिलेगा, दे सकती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी एक स्पेसिफिक इंप्लॉइज चूज करके उनको स्टॉक ऑप्शन दे सकती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता दिव्या, इंप्लॉई हमेशा अपना बिजनेस कर सकता है अगर उसमें ताकत है तो, अगर उसके पास समय है हमेशा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्लियर है, मेरे साथ लिखे पॉइंट नंबर वन, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ब्रैकेट में ईसॉप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट है
बिटवीन अ कंपनी एंड एम्प्लॉइज, बिटवीन अ कंपनी एंड एम्प्लॉइज, वेयर बाय, वेयर बाय, वेयर बाय द कंपनी गिव्स द एम्प्लॉइज अ राइट और ऑप्शन, ऑप्शन मतलब राइट ही है, खरीदना चाहो खरीद लेना, नहीं खरीदना मत खरीदना, अ राइट और ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर, टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्राइस आज ही डिटरमाइन कर लेंगे हम लोग, और वो प्राइस मार्केट प्राइस से सस्ता होगा, सस्ता नहीं होगा तो एम्प्लॉय टिकेगा थोड़ी, मार्केट में दाम चल रहा है 200, तुम 3 साल तक रुको तुमको 200 में शेयर दे देंगे, बोलेगा हम मार्केट से ही खरीद लेंगे, हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी श्वेतम मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसीलिए डाउट छूट गया, बाद में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बाद में सोचेंगे। नंबर टू, नंबर टू, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन पेइंग टेक्निक, पेइंग टेक्निक used by companies, used by companies to retain employees, to retain employees, to retain employees, used by company to retain employees, full stop. Point number three, point number three, the employee will be able to, the employee will be able to exercise its option, exercise its option only if, only if, only if he or she satisfies, satisfies the conditions, the conditions laid down in the contract, conditions laid down in the contract या conditions mentioned in the contract, conditions mentioned in the contract, वो condition 3 साल रहने की कंडीशन हो सकती है, एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने की कंडीशन हो सकती है कि आपको सेल्स 100 करोड़ तक पहुंचाना होगा, आपको कंपनी का मार्केट प्राइस 150 तक पहुंचाना होगा, आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत करोगे कंपनी ग्रो करेगी, हम आपको शेयर्स खरीदने का मौका देंगे, तो वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। हम लोग कंडीशंस को ना, कंडीशंस को ना दो पार्ट में बांट सकते हैं, मार्केट बेस्ड कंडीशन, परफॉर्मेंस, सॉरी परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन, सर्विस बेस्ड कंडीशन। सर्विस बेस्ड कंडीशन हो गया 3 साल रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, 2 साल रहना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन हो गया कंपनी का मार्केट प्राइस इतना हो जाना चाहिए तभी शेयर्स मिलेगा, आपको 100 करोड़ का सेल्स अचीव करना है, आपको कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% तक ले जाना है, ये सारा हम लोग क्या करते हैं कंडीशंस लगा सकते हैं। और ESOP के केस में आपको ये कंडीशंस देखने मिलेगी ही, बिना कंडीशन के कंपनी इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शंस नहीं देती है, बिना कंडीशन के अगर कुछ दिया जा रहा है तो वो स्वेट इक्विटी हो सकता है, इंप्लॉई स्टॉक परचेज प्लान हो सकता है, वो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है। ये स्टॉक ऑप्शन प्लान तो हम लोग यूज ही करते हैं एज अ टूल कि हम अपने इंप्लॉइज को रिटेन कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सके। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, द अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग फॉर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, फॉर इंप्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लान इज गाइडेड बाय,
इज गाइडेड बाय, गाइडेंस नोट ऑन, गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉईज शेयर बेस्ड पेमेंट्स, गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉईज शेयर्स बेस्ड पेमेंट, पेमेंट बेस्ड ऑन शेयर्स, पेमेंट बेस्ड ऑन शेयर्स इश्यूड बाई आईसीएआई, इश्यूड बाई आईसीएआई। इंड एस में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पूरा बना दिया गया है, इंड एस 102, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस। इंड एस 102 जिसका नाम है शेयर्स बेस्ड पेमेंट, शेयर्स बेस्ड पेमेंट्स बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, शेयर्स बेस्ड पेमेंट। इसकी अकाउंटिंग इस गाइडेंस नोट से गवर्न होती है। गाइडेंस नोट क्या बोलता है वो हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। नंबर 5, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, आज का लास्ट डिस्कशन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, आज का लास्ट डिस्कशन। आज इस पर मैं डिस्कशन खत्म करूंगा और कल इसी के बाद से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो मैं एग्जाम्पल वापस लिखने जा रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड और रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। आ जाओ, आज तारीख मान लो चल रहा है 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2021, कंपनी ने एक इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान बनाया, कंपनी ने एक इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान बनाया, प्लान बनाया, ठीक है, बना के उसको आगे हम लोग अनाउंस करेंगे, शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, वो सारा काम होगा। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या बोला, बोला हमारे यहां जो 500 इंप्लॉईज है, 500 इंप्लॉईज, उन पर ये प्लान लागू होगा, प्लान लागू होगा। इस प्लान के तहत, इस प्लान के तहत हम हर इंप्लॉई को, हर इंप्लॉई को शेयर्स पर इंप्लॉई, हर इंप्लॉई को 1000 शेयर्स खरीदने का मौका देंगे, 1000 शेयर्स खरीदने का मौका देंगे, 1000 शेयर्स किस प्राइस पे, किस प्राइस पे, शेयर्स परचेज प्राइस, शेयर्स परचेज प्राइस 50 रुपीज पर शेयर। मार्केट प्राइस टुडे, मार्केट प्राइस टुडे रुपीज 300 पर शेयर, 300 पर शेयर। और हमने एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन 3 ईयर्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, 3 ईयर्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, आज के दिन से 3 साल तक आपको रहना पड़ेगा, 3 साल तक आपको रहना पड़ेगा, 3 साल तक रहना पड़ेगा, मतलब 21-22 पहला साल, 22-23 दूसरा साल, 23-24 यानी अगर आप हमारे यहां 31 मार्च 2024 तक रह गए, 31 मार्च 2024 तक रह गए तो आपको ये सारा चीज हम लोग खरीदने का मौका देंगे, आपको ये शेयर्स खरीदने का मौका देंगे, आपकी इच्छा हो खरीद लेना, नहीं इच्छा हो छोड़ देना, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन, और ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, 300 का शेयर आपको 3 साल बाद 50 रुपए में ही मिलेगा, ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये क्यों नहीं लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे, बट आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। 3 साल कैसे, ये फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर 31 मार्च 22, ये सेकेंड ईयर 31 मार्च 23, और ये थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। अगर तुम इतने दूर तक रह गए तो तुम आके हमारे से 1000 शेयर्स खरीद लेना। सर ये शेयर्स कब खरीदना पड़ेगा, 31 मार्च को आकर ही खरीदना पड़ेगा क्या, नहीं, हम लोग उनको कुछ टाइम देते हैं, क्योंकि उसको भी तो 50 रुपया करके 50,000 जुगाड़ना है, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को ही आ जाना नहीं तो नहीं देंगे, कुछ टाइम देते हैं हम लोग उसको, हम लोग उसको एक पीरियड देते हैं, पीरियड टू परचेज शेयर्स After 31 मार्च 2014, 6 months, हम लोग उसको 6 महीने का समय दे रहे हैं।
कि वो 6 महीने तक आके यानी 30 सितंबर 2014 तक आके कभी भी अपना शेयर हमसे ले सकता है, कभी भी अपना शेयर हमसे ले सकता है। ये 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम उसको अलाउ किया गया है टू बाई शेयर्स। ये सारी चीजें हम लोग इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान की जो स्कीम बनाते हैं ना, ये सारी चीजें वहां पर बतानी पड़ती है, किन किन इंप्लॉयज को मिलेगा, कितना शेयर करके मिलेगा, कितना रुपया देना होगा, आज दाम क्या चल रहा है, कितने पीरियड तक या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद कितने पीरियड के बाद शेयर हम लोग खरीद सकते हैं, ये सारा चीज हम लोगों को बताना पड़ता है। और इन सब का ना नाम दिया गया है इन दी गाइडेंस नोट, नाम दिया गया है हर चीज का इन दी गाइडेंस नोट। अब मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूं। पहले किसी बच्चे को इन इस डेटा में कोई कंफ्यूजन है, डेटा में स्टोरी सबको क्लियर है क्या? स्टोरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्टोरी क्लियर नहीं होगा तो आप सम्स नहीं कर पाएंगे, स्टोरी क्लियर होगा तो ही नाम क्लियर होगा। नेहा पूछ रही है, सर अगर मान लो वो 30 सितंबर 2014 के बाद आता है फिर अलाउ नहीं करेंगे, उससे पहले ही आना होगा उसको, तो ये 3 महीना 6 महीना 12 महीने का समय बहुत होता है, आप इसके अंदर पैसा जुगाड़ के खरीद लीजिए। प्रतीक वापस अकाउंटिंग की बात ना करें प्लीज, इसका क्या होगा मैं जब आपको समझाऊं तब आप सोचने की कोशिश करना, अभी कुछ मत सोचो। अब एक एक करके वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस दिन ये ईसॉप का स्कीम इंप्लॉइज के ऊपर दिया गया, इंप्लॉइज को दिया गया ये ऑप्शन, इसके लिए अनाउंसमेंट होता है, इसके लिए रेजोल्यूशन वगैरह पास होते हैं, जिस दिन वो सारा काम हो जाता है, जिस दिन नॉर्मली हम लोग सम्स के हिसाब से बोलेंगे, जिस दिन ये ग्रांट किया गया इंप्लॉइज को, ये ऑप्शन ग्रांट किया गया दिया गया, इस डेट को हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। जिस दिन इंप्लॉइज को ऑप्शन दिया गया कि अब आप यहां से 3 साल तक अगर रहे तो हम आपको शेयर खरीदने का मौका देंगे स्कीम के अंडर, इस डेट को बोला जाता है ग्रांट डेट, द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द स्कीम, द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द स्कीम इज नोन एज ग्रांट डेट, जिस दिन वो स्कीम शुरू हुआ, ग्रांट डेट। ये पीरियड जब उसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हमारे एग्जाम्पल में 3 ईयर्स का पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। जिस पीरियड के अंदर इंप्लॉई अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो उसके ऊपर स्कीम वेस्ट हो जाती है, फिर वो आके कभी भी शेयर्स खरीद सकता है। हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर स्कीम वेस्ट हो गई, उसके ऊपर ऑप्शंस वेस्ट हो गए, अब वो कभी भी आके खरीद सकता है। जो इंप्लॉइज मेरे यहां पर मेरा इंप्लॉई रह गया, यहां पर रह गया इंप्लॉइज On this date will be eligible to purchase shares। जो इंप्लॉई 31 मार्च को मेरे यहां पर रह गया 2014 तक, उसको मैं शेयर्स खरीदने का मौका दूंगा। हम लोग बोलते हैं ये ऑप्शंस वेस्ट हो गए। वेस्ट का स्पेलिंग WASTE नहीं, ऑप्शंस वेस्टेड। उसके ऊपर वेस्ट हो गए, अब उसके पास राइट है, वो खरीदना चाहे खरीद ले, नहीं खरीदना चाहे छोड़ दे। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, वर्ड है। जिस पीरियड में अगर आप रह गए तो ये ऑप्शन आपके ऊपर वेस्ट हो जाएगा। वेस्टिंग पीरियड के बाद जो 6 महीने का मैंने उसको समय दिया, 6 महीने का समय दिया, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, जहां पर वो आके अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपनी राइट के तहत शेयर्स परचेस कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है तो एक्सरसाइज पीरियड शुरू होता है, वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है तो एक्सरसाइज पीरियड शुरू होता है। आपको एक्सरसाइज पीरियड के अंदर आके शेयर खरीद लेना है। डन।
इसके बाद अगर हो गया तो ऑप्शन वेस्ट जो ऑप्शन हुआ था वो लैप्स हो जाएगा, फिर आप नहीं खरीद सकते। सर अगर मान लो कुछ इंप्लॉइज 3 साल के अंदर ही चला गया तो उनका अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। अनवेस्टेड मतलब जो अभी तक वेस्ट हुआ नहीं था, पका नहीं था, वो लैप्स हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगा शेयर्स। तो आपने अगर 3 साल के अंदर छोड़ दिया तो भी आपको ऑप्शंस का शेयर्स नहीं मिलेगा। आपने अगर 3 साल के बाद 6 महीना तक सब्सक्राइब नहीं किया उसके बाद आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। जब 3 साल खत्म होने के बाद लैप्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। वेस्ट होने के बाद लैप्स हो गया, पकने के बाद खराब हो गया, और जो पहले ही खराब हो जाए उसको बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। यानी पका नहीं था उससे पहले ही वो इंप्लॉई छोड़ के चला गया, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, अब मेरे को इनको देने का जरूरत नहीं है शेयर्स, इनको मैं शेयर्स नहीं दूंगा। ये सब टर्मिनोलॉजीज आएगी, आगे आगे आएगी धीरे धीरे। डन, 3 साल तक रह गए, शेयर्स मिलेगा, तुम 6 महीने तक आके शेयर्स खरीद लेना। ये शेयर्स मिलने का जो राइट तुम्हारे ऊपर वेस्ट हुआ इसको बोलते हैं ऑप्शंस वेस्टिंग, ऑप्शंस वेस्टिंग। इसके बाद तुम आके शेयर्स खरीद सकते हो। डन, इतना दूर। अब देखना ग्रांट डेट पर क्या क्या फिक्स करना पड़ता है। ग्रांट डेट पर इंपॉर्टेंट, कितने शेयर्स दोगे इसको फिक्स करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। किस प्राइस पर दोगे वो भी फिक्स करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। जिस दाम पे तुम अपनी राइट्स एक्सरसाइज कर पाओगे उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और ये प्री डिटरमाइंड होता है। मैंने लिखा था फ्यूचर में परचेज करना है बट प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, उस प्री डिटरमाइंड प्राइस को बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है 50 रुपए में मिलेगा तुमको। ये जो मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट है, मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट, आज के दिन क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इंप्लॉइज एक्चुअली डिसाइड करते हैं ये स्कीम उनके लिए अच्छी है या नहीं, रहना है या नहीं उसके हिसाब से नॉर्मली, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस तो आज किसी को पता नहीं, इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ध्यान से इसका क्या काम है बताऊंगा। ये जो कंडीशन है, कंडीशन कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस, वेस्टिंग कंडीशन। और ये जो 3 महीने का पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। मैंने ऊपर डायग्राम में भी वेस्टिंग पीरियड लिख दिया है, वेस्टिंग पीरियड। और 3 साल की कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट इज वेस्टिंग कंडीशन, इज वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग पीरियड में वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई किया तो शेयर्स मिलेगा, शेयर्स मिलेगा। और ये 6 महीने का पीरियड मैंने आपको समझा दिया है एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। अकाउंटिंग अगर किसी को अच्छे से समझना है ना, दो वर्ड्स अभी मेरे को बताने हैं वो बताऊंगा। अकाउंटिंग अगर किसी को अच्छे से समझना है ना तो सिर्फ ये सोचो कि सर ये जो हम लोग इंप्लॉइज को सस्ता में शेयर दे रहा है ये कुछ नहीं है, ये उनका रेम्यूनरेशन है, सैलरी है। हाँ, ये सैलरी किसी एक साल का नहीं है, ये वो 3 साल अगर मेहनत करेगा तो 3 साल के बाद उसको एक साथ दिया जाएगा। तो सर ये जो सैलरी हम लोग पेमेंट करेंगे ना आफ्टर 3 इयर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ कैश, दिस इज एक्चुअली एक्चुअली द पेमेंट फॉर हिज सर्विस विल विच ही विल बी प्रोवाइडिंग अस फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स विच ही विल बी प्रोवाइडिंग अस फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये जो हम लोग उसको ईसॉप के अंगेंस्ट शेयर्स देंगे, कैश देंगे, वो शेयर्स या कैश कुछ नहीं है, वो उसकी सैलरी है जो उसने 3 साल तक काम किया है उसके लिए उसको दी जा रही है, उसके लिए उसको दी जा रही है। गाइडेंस नोट पता है क्या बोलता है, बहुत सिंपल बात बोलता है, बोलता है ये जो तुम ऑप्शन दे रहे हो इसका जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है, अगर ये ऑप्शन इंप्लॉइज को नहीं देके किसी और बाहर वाले को देते कि तुमको 3 साल बाद सस्ते शेयर्स देंगे तो वो तुमको आज उसके लिए पैसे देने के लिए रेडी होता, जो पैसे वो देता उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू है ना, जो तुम फ्री में दे रहे हो इंप्लॉइज को, फ्री में दे रहे हैं शेयर नहीं, ऑप्शन फ्री में दे रहे हैं। अगर मैं किसी दूसरे को देता तो ऑप्शन का भी प्राइस मिलता और 3 साल बाद 50 रुपया भी मिलता, बट इंप्लॉई को यह ऑप्शन फ्री में दिया, तो 3 साल काम कर तेरे को 50 रुपए में शेयर देंगे, यह ऑप्शन फ्री में दिया।
ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ना, बोला गया सिंपली ये कुछ नहीं है, एम्प्लॉई काम करके दे रहा है, तुमको 3 साल बाद शेयर्स देना है, तो तुम इस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड, तुम इसको एम्प्लॉई की सैलरी का खर्चा बोल के पीएल में दिखा देना, तुम इसको एम्प्लॉई की सैलरी का खर्चा बोल के पीएल में दिखा देना। अगर मैं सिंपल बात करूं, एक बार फेयर वैल्यू को साइड रखूं, मैं ये शेयर कितना में दे रहा हूं, 50 रुपए में, जबकि आज के दिन इसकी प्राइस क्या है, 300 रुपए, कितना सस्ता, 250 रुपया, 1000 कितना, 500 इंप्लॉइज इंटू 1000 शेयर्स इंटू 250 रुपीज सस्ता, मेरा टोटल नुकसान कितना हुआ, मेरा टोटल नुकसान कितना हुआ कंपनी का टोटल नुकसान हुआ 12 करोड़ 50 लाख, 12 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये 12 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान एक्चुअली क्या है, ये जो 500 एम्प्लॉई तुमको 3 साल की सर्विस दे रहे ना, उस सर्विस का कॉस्ट है। इस 12 करोड़ 50 लाख को 3 साल में एज सैलरी का खर्चा तुम इसको दिखा दो, यही पूरा अकाउंटिंग का काम है जो हमको गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉई शेयर बेस पेमेंट सिखाएगा, और कुछ नहीं है। 3 साल में ये खर्चा जाना चाहिए पीएल में, और फिर तुमको किस तरीके से शेयर इश्यू करना है वो अकाउंटिंग बाद में बताऊंगा। प्राइमरी सोच यही होना चाहिए, सर ये जो 3 साल बाद शेयर्स या पैसा दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो 3 साल तक खटे, तो सर ये जो टोटल हमारा पेमेंट होगा ये एक्चुअली उसके 3 साल की सैलरी का पेमेंट है, जो एक साथ उसको 3 साल बाद दिया जा रहा है। तो ये जो 12 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान होगा, ये 12 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान 3 साल के अंदर हम लोग सैलरी का खर्चा बोल के दिखाएंगे, और गाइडेंस नोट ने बोला ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस 12,50,000 / 3। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर कोई एम्प्लॉई अगर बीच में छोड़ गया तो सर उसको तो शेयर मिलेगा ही नहीं, तो सर उसका खर्चा क्यों बना रहे हो? अगर एम्प्लॉई बीच में छोड़ के चला गया तो उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो क्यों खर्चा बना रहे हो? सर अगर मान लो हमने खर्चा बना लिया बट एम्प्लॉईज ने फ्यूचर में खरीदा ही नहीं, तो सर क्यों खर्चा बना रहे हो? ये सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये अभी मैं एक बार में बोलूंगा तो पचा नहीं पाऊंगे, ये चीजें धीरे धीरे आएंगी। एम्प्लॉईज छोड़ के चले गए तो क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें धीरे 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 हम लोग बात करेंगे। इंटर लेवल का जो सिलेबस है ना, उसका दायरा बहुत कम है, फाइनल के सिलेबस का दायरा बहुत बड़ा है इस चैप्टर में। इंटर का दायरा सिर्फ आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखाने का है, और इंटर के सिलेबस में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, ज्ञान सबका दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का, कैश ऑल्टरनेटिव का, इक्विटी विद कैश ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ इक्विटी सेटल्ड का बात पढ़ना है, जहां पर आज हमने ऑप्शन दिया और 3 साल बाद उसको शेयर्स देंगे, कैश नहीं, शेयर्स देंगे। तो ये मैं बढ़ाऊंगा, और कैश होता तो क्या होता वो भी मैं लास्ट क्लास में समझा दूंगा, बट ये पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने वर्ड्स हो गए बता तो, ग्रांट डेट जिस दिन ऑप्शन दिया गया, शेयर्स नहीं ऑप्शन, वेस्टिंग पीरियड जितने पीरियड तक आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जो कंडीशन है वो वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड तक रह गए, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसके 6 महीने तक शेयर्स खरीद सकते हो, एक्सरसाइज पीरियड, ग्रांट डे के दिन कितना शेयर्स दोगे, उसका एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, ये सारा चीज बताना पड़ता है। तो एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन, ग्रांट डेट, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने अभी सीख लिए। वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, अनवेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े वर्ड्स हमने सीख लिए। अब इनका अकाउंटिंग कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे, तब तक तुम घर पे थोड़ा सोचो अगर क्या क्या हो सकता है, और मेरे से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछना, सर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, तो मैं तुमको एक एक चीज का बताता जाऊंगा। सलोनी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कल आएगा, कल, आज मैंने वो वर्ड सिखाया नहीं है, कल सिखाऊंगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कल आएगा, कल बताऊंगा क्या होता है। आयान ये आपका डाउट भी कल क्लियर करूंगा, अगर फर्स्ट ईयर में खर्चा दिखा दिया सेकेंड ईयर में छोड़ के चला गया तो क्या होगा, मैंने बोला ना वो पॉसिबिलिटीज में डिस्कस करूंगा। डन, चलो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।